बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। सबसे पहले अहम खबर से आपको रूबरू करा दे। कोटा ग्रामीण एसीबी की झालावाड़ में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 40,000 की रिश्वत लेते 3 घूसखोर एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। शिक्षा अधिकारी रंगलाल मीणा, सहायक लेखा अधिकारी महेंद्र मीणा और वरिष्ठ सहायक दीपक शर्मा ट्रैप हुए हैं। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एएसपी प्रेरणा शेखावत ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देश पर इस कार्रवाई को किया गया, जहां पर कामयाबी एसीबी को मिली। कोटा ग्रामीण में झालावाड़ में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कोटा ग्रामीण एसीबी की ये कार्रवाई, 40,000 की रिश्वत लेते 3 घूसखोर एसीबी के हत्थे चढ़े हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। शिक्षा अधिकारी रंगलाल मीणा, सहायक लेखा अधिकारी महेंद्र मीणा और वरिष्ठ सहायक दीपक शर्मा, ये तीनों ही ट्रैप हुए हैं। 40,000 की रिश्वत की रकम के साथ एसीबी ने इन्हें गिरफ्त में लिया है। इनसे पूछताछ जारी है। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में एसीबी ने यह अहम कार्रवाई की है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कार्रवाई की, कि किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है एसीबी ने। कार्रवाई की एसपी प्रेरणा शेखावत ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। और कोटा संवाददाता भंवर चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, अहम कार्रवाई है, कामयाबी एसीबी को मिली, किस तरह से इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया? ₹40,000 की रिश्वत देते हुए ये पूरा ट्रैप हुआ है श्वेता। फिलहाल मैं ट्रैप स्थल पर मौजूद हूँ और दीपक वर्मा यूडीसी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये दीपक वर्मा है यूडीसी। इनको ₹40,000 की रिश्वत लेते हुए कोटा ग्रामीण एसीबी की टीम ने ट्रैप किया है। और फिलहाल एक लॉन्ग शॉट आप देखिए, फिलहाल पूरी जो कार्रवाई है ट्रैप के बाद की, उस पूरी कार्रवाई को एसीबी की टीम अंजाम दे रही है। और कुल मिलाकर के ₹40,000 की रिश्वतखोरी का ये पूरा खेल है। एडिशनल एसपी प्रेरणा शेखावत की टीम ने ये कार्रवाई की है और झालावाड़ के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको ट्रैप किया गया है। उनके एक जो सहायक हैं वो भी पकड़े गए हैं, लेकिन जो पैसे का लेन देन है वो यूडीसी ने कोटा में किया था। ये परिवादी हैं जिन्होंने शिकायत दी थी एसीबी को। आपने शिकायत दी थी एसीबी को, किस तरह का परिवाद था आपका? तकरीबन 6 महीने पहले मैंने एसीबी को शिकायत दर्ज कराई थी। मेरा 22 लाख का बिल पेंडिंग था, उसके एवज में 2% इन्होंने रिश्वत राशि मांगी थी मेरे से। तो उस बीच एडीपीसी को कोरोना हो गया था, इस कारण वो ये कार्रवाई नहीं हो सकी और आज जाके ये कार्यवाही को अंजाम दिया गया। तो देखिए, आप जिला जो शिक्षा विभाग की बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को बनाने के एवज में ये पूरी घूसखोरी 2% कमीशन की ली गई थी। एडिशनल एसपी प्रेरणा शेखावत तस्वीरों में है। मैम, बड़ी कार्रवाई कोटा और झालावाड़ दोनों जगह पर गिरफ्तारियाँ हुई है। जी हाँ, ये झालावाड़ में भी एक टीम है हमारी और उन्होंने घर पर सर्च करे हैं। रंगलाल मीणा जो है एडीपीसी डीओ झालावाड़ कार्यालय के, उनको अभी डिटेन किया है, जो हमारी टीम जाके उनको लेके आएंगी। मैम, थोड़ा सा ब्यौरा देंगे आप? ऐसा प्राइमा फेस से सुनने में आ रहा है कि कोई शिक्षा विभाग की बिल्डिंग थी, उसका बिल पेंडिंग था, उसके वजह में 2% कमीशन मांगा गया था। हाँ, 22 लाख के इनके बिल बकाया थे, जिनके 2% के हिसाब से इनसे रिश्वत की मांग की गई थी, ₹44,000। तो आज ₹40,000 इनके सहायक लेखाकार ने लिए हैं आज यहाँ कोटा में। मैम, बड़ी मछली पकड़ में आए, जिला शिक्षा अधिकारी पकड़ में आए हैं, तो फॉलो अप में और कोई कार्रवाई के तार आपको लगता है कि बाकी जो नीचे तक के कार्मिक है उन तक पहुंच सकते हैं रिश्वतखोरी के? ये नीचे तक के आ गए हैं, इसमें 3 लेवल के थे, पार्टी इनका पार्ट था, तो तीनों का रोल था जो हमने ये कर लिया है। और शिकायत भी इन तीनों की थी, इसमें और किसी की मुझे संलिप्तता नजर आती है। मैम, दीपक वर्मा को यहाँ पैसे लेते हुए पकड़ा गया, तो यहाँ कहाँ ये कार्रवाई की गई? यहाँ ये न्यू क्लॉथ मार्केट के पास में इसने बुलाया था कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। जो ये दीपक वर्मा है, ये आया था, इसने परिवादी को फ़ोन किया कि आज मैं कोटा में ही हूँ, तो कोटा में ही तुम आके मुझे ये राशि दे दो, मैं अधिकारियों तक पहुँचा दूंगा। मेरा आखिरी सवाल, मैम, में हमने दीपक वर्मा से बातचीत करी और उनसे भी करवाई, जो दोनों अधिकारी और संलिप्त हैं, कि ये पैसे मिल गए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम कब आओगे जब आप झालावाड़, तो हमको दे देना कितने पैसे आए हैं। तो ₹40,000 ऐसे करके कन्फर्म हो गया, तो तीनों की संलिप्तता थी और इन तीनों को आज हमने कुल 3 गिरफ्तार हुए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, दीपक वर्मा तो रंगे हाथों ट्रैप हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी और उनके जो सहायक थे उनकी भूमिका क्या टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर तय की आपने? हाँ, टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर, और शुरू में जो कई महीनों से चल रहा था, ये जुलाई अगस्त में काफ़ी समय से चल रहा था, तो उस समय भी इन्होंने बोला कि इनका भी शेयर है। शुरू से इन दोनों का रोल था, जो अधिकारी हैं इन दोनों का, कि परसेंटेज उनकी भी फिक्स थी,
इसलिए तो सबके परसेंटेज फिक्स थे और परसेंटेज फिक्स थे इसीलिए तीन जो रिश्वतखोरें कुल मिलाकर के वो फिलहाल एसीबी कोटा की ग्रामीण की जो टीम है उनकी पकड़ में आए हैं। बताएं आपको कि जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड़ वो सबसे मेन एक्यूज्ड हैं इसमें, उनको झालावाड़ से पकड़ा गया है, उनके एक सहायक भी झालावाड़ से पकड़े गए हैं, लेकिन जो पूरी रिश्वत राशि का लेन देन है वो कोटा में हुआ है। और जो यूडीसी हैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय झालावाड़ जिनके पास जिला परियोजना समन्वयक झालावाड़ का भी चार्ज है, उनके जो यूडीसी हैं वो कोटा में ट्रैप हुए हैं और फॉलोअप कार्रवाई में ये बाकी दोनों ट्रैप भी झालावाड़ में एसीबी ने किए। तो कुल मिलाकर के अभी तक तीन गिरफ्तारी हुई है। परिवादी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ के उनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये भवन कब बनाया था और कब से आपसे रिश्वत मांगी? 19 जून में मैंने दो भवन बना के कम्प्लीट कर दिया था, उसका मेरा 22 लाख रुपए का बिल पेंडिंग है और 5 लाख का अभी और पेंडिंग है, ऐसे करके 27 लाख का मेरा बिल पेंडिंग है। 22 लाख का बिल पे करने के लिए इन्होंने मेरे से 2% राशि मांगी थी। इससे पहले भी मैं दो बार ट्रिप करा चुका हूँ, ये तीसरा ट्रिप है आज मेरा। अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारियों को सख्त सजा मिले, ये तीसरी बार मैंने कार्रवाई कराई है। दो बार आपने पहले प्रेरणा जी ने कार्रवाई की है। चलिए तो देखिए आप ये परिवादी हैं जिनका हौसला आप देखिए, दो ट्रैप पहले करा चुके हैं, इन्होंने कोई शिक्षा विभाग की बिल्डिंग बना करके दी थी और उस बिल्डिंग का जो बिल था उसमें जो टोटल बिल राशि थी उस बिल राशि का 22 लाख का 2% यानी 44,000 कमीशन ये रिश्वतखोर लगातार मांग रहे थे और इसके लिए परिवादी पर दबाव बना रहे थे। दो ट्रैप पहले करा चुके हैं, तीसरा ट्रैप कराया है। तो कुल मिला करके कोटा और झालावाड़ दोनों स्थानों से तीन गिरफ्तारियाँ हुई है और 40,000 का बड़ा ट्रैप आज कोटा ग्रामीण एसीबी की टीम ने सफलतापूर्वक कोटा में अंजाम दिया। जी बिल्कुल भवर, और जिस तरह से बड़ी कार्रवाई, देखिए पूरा चेन सिस्टम था, सबका अपना अपना परसेंट यहाँ पर बंधा हुआ था और ये कोई एक मामला तो है नहीं। अब ये माना जाए कि पूछताछ में और भी कई अहम खुलासे होंगे कि आखिर ये रिश्वत का खेल कब से चल रहा था और ये अब तक गिरफ्त में नहीं आए थे लेकिन अब जाकर ये फंस गए। जी बिल्कुल, देखिए जो एडिशनल इंस्पेक्टर प्रेरणा शेखावत हमारे से कुछ देर पहले बात कर रही थी तो उन्होंने यही कहा कि इसके जो तार हैं वो कार्मिक नीचे तक के जो कार्मिक हैं और ऊपर तक जो अफसर हैं उनके बीच में फैले हुए हैं। आप देखिए जिला शिक्षा अधिकारी खुद इसमें शामिल थे, उनके यूडीसी शामिल थे, उनके एलडीसी शामिल थे, गिरफ्तारियाँ कोटा में भी हो रही है, झालावाड़ में भी हो रही है। तो जाहिर तौर पर जब इसकी जाँच होगी और इस तरह के और जो दूसरे बिल्स पास हुए हैं उनकी फाइल्स को जब एसीबी जब्त करके उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो रिश्वतखोरी के ऐसे और भी कई मामले खुल सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि शिक्षा एक ऐसा काम है जिसे एक पवित्र काम कहा जाता है कि शिक्षक की गोद में भविष्य और प्रलय पलते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि इस महकमे में करप्शन नहीं होता है लेकिन आप देखिए जो शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए जो भवन बनते हैं उन तक में भी करप्शन यहाँ पर होता दिख रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भवर आपका इस पूरे बात। सच में डिजिटल बाल महीने में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो, बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे।